बताते हैं कितना टाइम लगा, कितना टोल लगा, कहाँ तक मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट है, जाना मत जाना, किस रूट से बेस्ट है मुंबई जाना, मैं वहाँ पर जाके आपको सब बताऊँगा और जिस टाइम पहुँचूँगा वो भी बताऊँगा। तो मिलते हैं मुंबई। हाँ जी, तो बहुत दिन बाद दोबारा स्टार्ट कर रहा है व्लॉग हमने अपना, और हमारे राकेश जी और हम निकले हैं मुंबई के लिए। ये अपना मुंबई एक्सप्रेस वे, सुबह सुबह 6 बज रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि भाई कहाँ से कौन सा रूट सबसे बेस्ट है, कितने के टोल पड़ते हैं, किस तरीके से टोल बचाने हैं सब बताएंगे, और कितना किलोमीटर पड़ा, कब हम पहुँचेंगे। रास्ते में एक जगह रुकना पड़ेगा हमारे को, देखते सूरत या कहाँ। बाकी मुंबई शिफ्ट ही हो गए हैं, बैग अपने बैग बुक पूरी भरी है गाड़ी, और मिलते हैं आप, आपको रास्ते में दिखाएंगे जो भी होगा। भाई देख लो, मुंबई के रास्ते में जा रहे थे और कहाँ घुसाया मैं अपने, ऐसी जगह अंदर अंदर घुसा दिया। अब बताओ कौन सा हाईवे पड़ा है ऐसा, मुंबई एक्सप्रेसवे तो खैर 250 किलोमीटर रास्ता है, और ये देखो कैसे काम में घुसा दिया। ये लो ये भाई, देखो कहाँ काटेगा। मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ 250 किलोमीटर था, उसके बाद सारा ठीक ही हाईवे था, मतलब ये 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पता ना कहाँ गाँव में घुसा दिया इसने, और बल्कि वहाँ भी रास्ता बंद था। ये देख कितना तगड़ा हाईवे, देख खाना भी नहीं खाया है। जी हम अराउंड चल रही है 600 किलोमीटर के करीब, और ये ऐसा रास्ता आ रहा है, ये अपनी गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो, अपने राकेश जी खड़े, और बस खाना खा के रास्ते में यही बड़ा मुश्किल से यही ढाबा मिला, ना तो कोई मिल ही ना रहता, खाना खा के और निकलते सूरत रुकेंगे, देखते हैं सूरत में मिलते हैं। तो अभी रुक के खाना खुना खा लिया है, गाड़ी की हालत ऐसी हो गई है मस्त। ये सुखे, ये हाईवे जा रहा है, ये जाएगा मुंबई एक्सप्रेस वे, अब दोबारा बीच में मिलेगा जब, तो बस चल लिए जैसे चले टूटे फूटे रास्ते, देखना यहाँ से हाईवे से आया कितनी दूर तक, सिंगल हाईवे तो चल लिए इतनी दूर तक, अब तो खैर आगे हाईवे मिल जाएगा ये रतलाम तक, उसके बाद आगे दिखाते कैसा रास्ता लगवाया भाई यहाँ। गुजरात में पंखा लगवाया है, ये देखिए कितने बड़े बड़े पंखे लगवाए हैं राकेश जी, इतने बड़े पंखे लगवा दे गांव में। ये चलेंगे किस तरह भाई, तुमको पता नहीं इसमें वीडियो में कैसा लग रहा है, ये बहुत ऊंचा है, ये 100 फुट से भी ऊंचा है, देखो ये रहे 350 फुट रहे, बहुत ऊंचा है, ये लग रहे सारे रोड, ये खराब हो गए पंखा भाई। ऐसा हाईवे है आप देखो आगे भाई, बीच में लेडीज आ गई, नहीं तो कहीं पूरे रोड पे ना पीछे कोई है, ये देखो, और ना आगे कोई है, बिल्कुल खाली है मुंबई एक्सप्रेसवे। टोल तो लग गए हैं हमारे करीबन जी, कितने के टोल लगे होंगे, 1200-1300 के, 1800 के करीब टोल लग चुका है अभी, आगे देखते हैं टोल का टोटल कितना टोल लगता है, कितना किलोमीटर कहाँ तक चालू है, कहाँ बंद है, कितना टाइम लगता है, मैं सब बताऊंगा एंड में तुम्हारे को, जो भी व्लॉग ख़त्म करूँगा। ये व्लॉग आज सूरत रुकेंगे, सूरत से सुबह मुंबई निकलेंगे, मुंबई में जाके एंड करूँगा इस व्लॉग को, एक ही बढ़ाऊँगा जाने का, 2 व्लॉग नहीं बढ़ाऊँगा। ये तुम पंखे देख लो, ये गाँव में लगवा रखे हवा के लिए, लाइन से देखो बिजली के लिए है, बिजली बढ़ाते हैं भाई, दे एक नंबर व्यू रोड का। तो नितिन गडकरी जी आपको है ना दिल से सल्यूट है, ऐसा रोड बनाया है, ये देख लो भाई मजाक से हट के पीछे देखो कुछ है, पूरा रोड खाली है देख लो, ऐसा लग रहा है हम ही उद्घाटन पे आए हैं, जगह जगह ये पानी, अब तो खैर हम एमपी में आ चुके हैं, राजस्थान में थोड़ी सी कमी थी पानी की, बाकी एक खतरनाक रोड बना रखा। ये एक गाड़ी दिखी है जब से हमारे को, देखो तगड़ा भाई, देखना रोड की फील, मतलब आपको ये नहीं पता लगेगा एमपी में चल रहे हो कहाँ चल रहे हो, देखना अल्टीमेट, मतलब आप इस रोड से जो आएगा ना कटगरी जी से प्यार हो जाएगा उसको,
नितिन गडकरी जी से, बहुत अल्टीमेट रोड है, बहुत अल्टीमेट। जगह जगह बीच बीच में तालाब से बने हुए, ऐसा नहीं पता ही नहीं लग रहा है हम एमपी में है या उत्तराखंड में। देखना देखो बहुत अल्टीमेट व्यू है, और ये मतलब आपको कैमरे में इतना पता नहीं लग रहा होगा, ये देखो, बट आओगे जब पता लगेगा। अजी कैसा खाना? एक नंबर भाई, होटल है इन भाई का, ये सूरत के रास्ते में है, वडोदरा के यहाँ, बहुत अच्छा खाना बना रखा है इन्होंने, A1 है ना राकेश जी, एक नंबर। और अभी बस वडोदरा पहुँचे हैं, खाना वाना खा के होटल में सामान रख दिया है, बस खाना वाना खा के सीधा होटल जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह निकलेंगे मुंबई के लिए। हम अराउंड चले आज 1000 किलोमीटर के करीब, 1000 चलेंगे होंगे ना, 1008 किलोमीटर। राकेश जी नहीं चलाइए, मैं तो आराम से बैठा रहा भाई। ये अपना रूम है और राकेश जी आराम फरमा रहे हैं। सुबह निकलेंगे आराम से, सो के उठ के 10-11 बजे, कोई जल्दी ना है क्योंकि आज फुल खींच दी गाड़ी का हमारे राकेश जी ने। सुबह मिलते हैं तुम्हारे को अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके जी, तो निकल लिए हैं वडोदरा से, यहाँ से मुंबई 400 किलोमीटर है और दिखा रहा है 6 घंटे, बट 4.5 घंटे में, 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और वहाँ पर पहुँच के आपको बताते हैं कितना टाइम लगा, कितना टोल लगा, कहाँ तक मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट है, जाना मत जाना, किस रूट से बेस्ट है मुंबई जाना, मैं वहाँ पर जाके आपको सब बताऊँगा, और जिस टाइम पहुँचूँगा वो भी बताऊँगा। तो मिलते हैं मुंबई जी। राकेश बाबू हाँ जी, तो पहुँच गए अपने होटल मुंबई, अभी फ्लैट फाइनल नहीं किया है तो इसलिए रुके हुए हैं यहाँ होटल में। हमारे राकेश जी आराम फरमा रहे हैं, पूरे रास्ते गाड़ी इन्होंने ही चलाई, मैंने तो बिल्कुल ना चलाई। तो भाई हम निकले थे कल वहाँ से मॉर्निंग में 6 बजे सुबह, और वडोदरा पहुँच गए थे हम शाम को रात को 8 बजे, वडोदरा से सुबह निकले हैं हम 9 बजे, और 4 बजे हम यहाँ पहुँच चुके थे, नहीं 10 बजे के करीब निकले थे। मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा स्टार्ट नहीं है, सिर्फ 250 किलोमीटर आप दिल सोना से चढ़ोगे गुड़गांव से, उसके बाद 250 किलोमीटर तक स्टार्ट है, उसके बाद काफ़ी अंदर अंदर रोड घुमा के करीबन 350 किलोमीटर, उसके बाद दोबारा आपको हाईवे पे चढ़ाएगा, उसके बाद फिर 200 किलोमीटर आ जाओ भाई, फिर उसके बाद 200 किलोमीटर तक है, उसके बाद फिर 200 किलोमीटर तक मुंबई एक्सप्रेस वे है, उसके बाद फिर ख़त्म, उसके बाद दे इधर दे मेरे को, फिर उसके बाद फिर ख़त्म है, उसके बाद सीधा ये गुजरात वडोदरा हाईवे है। तो अराउंड हमारे को मान के चलो कि अगर मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो तो 11 घंटे का रास्ता है, और अराउंड अब हमारे को लग गए हैं कि 22 घंटे के करीब लग गए हैं अब हमारे को। तो कोई भी भाई आ रहा है फ़िलहाल मुंबई एक्सप्रेसवे पे मत जाना, वो अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं है, और बाकी आप चित्तौड़गढ़ होते हुए आओगे तो फिर भी बेटर पड़ेगा, ये सीधा वाला सिर्फ थोड़ी देर के चक्कर में पूरा रूट ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है, चित्तौड़गढ़ वाला हाईवे ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब कल, नए व्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो ये आज का व्लॉग 2 दिन का एक ही व्लॉग बना रहे हैं, कल मिलते हैं।